बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब भर में बलदियाती इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी वकार हुसैन के मुताबिक इस सिलसिले में आज पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मिनहाजुल कुरान तानियावाला का बलदियाती इलेक्शन के सिलसिले में एक अहम इजलास निजी होटल में मुनक़िद हुआ, जिसमें नायब नाज़िम आला तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद रफीक नजब ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर तानियावाला की तमाम नेबरहुड काउंसिल्स और विलेज काउंसिल से उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया गया। इजलास में अवामी तहरीक और तहरीक मिनहाजुल कुरान की मुकामी क्यादत ने भी शिरकत की। बलदियाती इंतखाबात के सिलसिले में नायब नाज़िम आला तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद रफीक नजब ने BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी वकार हुसैन से बातचीत भी की। क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर में बलदियाती इंतखाबात की तैयारियां अरूज पे हैं और पंजाब में भी बलदियाती इंतखाबात के सिलसिले में तारीख का ऐलान कर दिया गया। तो बाकी तंजीमात की तरह पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मिनहाजुल कुरान ने भी बलदियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। आज तानियावाला में नायब नाज़िम आला तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मोहतरम इंजीनियर रफीक नजम आए और उन्होंने बलदियाती इलेक्शन के सिलसिले में एक अहम इजलास से गुफ्तगू की। तो हम उनसे जानते हैं कि वो बलदियाती इलेक्शन के सिलसिले में पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे। जी, पाकिस्तान अवामी तहरीक इस पंजाब के आने वाले जो अपकमिंग इलेक्शन है, इसमें इंशाल्लाह हम भरपूर हिस्सा लेने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक बाकी जमातों की निस्बत सबसे ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड सियासी जमात है और हमारा जो ग्रास रूट लेवल तक नेटवर्क है पाकिस्तान अवामी तहरीक का, गाँव तक और एक छोटे से महल्ले से लेके पूरी बड़ी बड़ी आबादियों तक हमारा नेटवर्क मौजूद है। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इस मौके को गनीमत जाना है कि अब जो विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल्स के ज़रिए से बराह रास्त जो इलेक्शन होगा और पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आने वाले लोगों को ये मौका दिया जाएगा, तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के बाकिरदार पढ़ी लिखी जो हमारे पास क़यादत मौजूद है और जो डॉक्टर मोहम्मद अहरुल कादी साहब ने जिस विजन के साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों को तैयार किया है, ज़माना उनके किरदार का मोतरिफ है, उनकी जरूरत का मोतरिफ है, उनकी इस्तकामत का मोतरिफ है। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक पूरे पंजाब में हर विलेज काउंसिल और हर नेबरहुड काउंसिल में अपना उम्मीदवार देगी और हमें बिल्कुल ये मुकम्मल यकीन है कि कोई नेबरहुड काउंसिल और विलेज काउंसिल ऐसी नहीं होगी जहाँ से पाकिस्तान अवामी तहरीक का नुमाइंदा नहीं जीतेगा। उसकी वजह यह है कि आवाम अच्छी तरह से जानती है कि इस पूरे निज़ाम के अंदर जुल्म के ख़िलाफ़ सबसे मुअस्सर और ताकतवर आवाज़ डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की है और डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की क़ियादत में पाकिस्तान अवामी तहरीक के उनके कारकुन यहाँ के लीडर्स इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह इलेक्शन डे पाकिस्तान अवामी तहरीक की फतह का सूरज लेकर शुरू होगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक भरपूर तरीके से बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी और हम तानियावाला की हर विलेज काउंसिल और नेबरहुड से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद वकार हुसैन।